महाराष्ट्र में अब देसी गायों को राजमाता गोमाता के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने वाली देवाभाव की महागठबंधन सरकार ने लिया है। इस संबंध में सरकारी अध्यादेश हाल ही में जारी किया गया है, जिससे महाराष्ट्र में देसी गायों की संख्या बढ़ाने और उनके संरक्षण के लिए चरवाहों को देसी गायों के पालन के लिए प्रेरित किया जा सके। राज्य में देसी गायों के संरक्षण के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह निर्णय गौशालाओं की मदद के लिए लिया गया, क्योंकि उनकी आय कम है। देशी गायच संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला आहे। ये योजना ऑनलाइन लागू की जा रही है। इसके लिए राज्य के हर जिले में गौशाला सत्यापन समिति होगी। इस फैसले से गौ माता सुरक्षित रहेगी। हिंदूवादी संगठनों ने गाय को गौ माता का दर्जा देने की लंबित मांग पूरी करने के लिए महायुति सरकार का धन्यवाद दिया है।